आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में आज प्रयागराज में कोर्ट में ऐतिहासिक क्षण। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि यहां पर जिस जगह पर बात हो रही थी, जिस व्यक्ति के लिए बात हो रही थी, जिसकी पूरी तूती बोलती थी, खौफ था और लगातार न्यायपालिका की तमाम कमजोरियों का फायदा उठाते हुए तारीखों पर तारीखों दौर चल रहा था। और जब सुनवाई की बात भी आ रही थी तो गवाह मुकर जा रहे थे या फिर बादी ही लिख कर दे रहा था कि हमने मुकदमा दर्ज ही नहीं कराया है। और यहाँ तक खौफ जरा की स्थिति ऐसी कि कई मामलों में प्रदेश सरकार ही पीछे हट गई थी। पर कारण क्या था? कारण था खौफ, कारण था माफिया, कारण था ताकत, कारण था खौफ की एक सल्तनत। यहां बात हो रही है अतीक अहमद की। 1979 में जरायम की दुनिया में कदम रखने वाला अतीक अहमद कब 100 से ज्यादा मामलों में यहां पर गुनहगार बन गया, आरोपी बना गया, ये सबको पता है। सिर्फ छोटी सी कार्रवाई के बाद अपराध किया और अपराध के बाद तांगे वाले से लेकर और बड़े माफिया तक का सफर बहुत तेजी से तय हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 100 से ज्यादा मुकदमे और उसके बाद लगातार कार्रवाई का दौर, पर ताकत और तूती इतनी कि अब तक किसी मामले में सजा नहीं हुई थी। पर यहां पर जिस हिसाब से अभी हाल में ही 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, उसके बाद ये मामला पूरी तरह से सरगर्मी में आ गया। और वो अतीक अहमद जो फिलहाल अभी तक साबरमती जेल में बंद था और तमाम मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहाँ पर पेशी और सुनवाई हो रही थी, वो फिर चर्चा में आ गया। उमेश पाल हत्याकांड केवल एक मामला नहीं है। मामले की शुरुआत 25 जनवरी 2005 को होती है, जब राजू पाल की हत्या कर दी जाती है। उसमें तस्वीर गवाह रहे उमेश पाल का 28 फरवरी 2006 को अपहरण कर लिया जाता है। उसके बाद उससे कहा जाता है कि आप लिखिए और बताइए कि आपने कुछ नहीं देखा था, यानी अपने पक्ष में गवाही का मामला था। उसके बाद सुनवाई नहीं हुई। उमेश पाल ने खुद अधिवक्ता थे, उन्होंने खुद पैरवी की और तब 5 जुलाई 2007 को यह मुकदमा दर्ज हुआ और अतीक समेत लगभग 11 लोगों के रिपोर्ट दर्ज की गई। उसके बाद 17 साल का लंबा इंतजार और जब फैसला आया तब उमेश पाल इस दुनिया में ही नहीं है। बीते 24 फरवरी 2023 को उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद से जिस तरह से गतिरोध की बात करें, बयानों की बात करें, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल में पहले से सजग, और जब विपक्ष द्वारा सवाल पूछे जा रहे थे उन्होंने कहा था कि हम इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे और माफियाओं को जमींदोज करने का बीड़ा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उठाया है, उसको भी हम यहां पर पूरा करेंगे। फिलहाल चर्चा महत्वपूर्ण यहां पर है क्योंकि अतीक अहमद, दिनेश पासी, सौलत हनीफ को यहां पर उसी मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई और अतीक अहमद के भाई अशरफ समेत 7 लोगों को बरी कर दिया गया, जबकि एक आरोपी की मृत्यु हो चुकी थी, 11 आरोपी थे। उसके बाद अतीक अहमद और अशरफ की जो चेहरे पर एक चिंता के भाव नजर आ रहे थे वो कुछ और ही बयां कर रहे थे। हालांकि अतीक अहमद के वकील दयाशंकर मिश्रा ने सुबह सुबह कह दिया था कि अगर सजा कठोरतम होगी तो हम उच्च अदालत में जाएंगे। भाई जाना चाहिए, ये अधिकार आपको देश का संविधान और न्याय संहिता देती है। पर कहीं ना कहीं आज तमाम तरह के दृश्य हमको देखने मिले, अतीक के चेहरे और अशरफ के चेहरे पर बेचैनी। तो वहीं प्रयागराज की जिला अदालत की एमपी एमएलए कोर्ट परिसर, जहां पर अगर हम बात करें तो अतीक अहमद के तूती बोलती थी, खौफ था, वहां पर अतीक अहमद के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, फांसियों की बात की गई और यहां तक कि अतीक अहमद जब निकल रहे थे तो उससे धक्का मुक्की भी की गई, गाली गलौज तक की गई। कहीं ना कहीं संदेश जनता के लिए भी कि कानून के अंदर देर है पर अंधेर नहीं है, और कानून जब सजा सुनाता है तो बड़े बड़े माफियाओं का राज खत्म हो जाता है। पर इसके बाद जिस तरह से विपक्ष का भी दौर शुरू हुआ और विपक्ष के बड़े नेता के रूप में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से
यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री अपने सजातीय लोगों की भी यहाँ लिस्ट बनाए, टॉप 10 माफिया घोषित करें और कार्रवाई करें। फिर कुछ बयान से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आरोप लगाएंगे इस तरह का, क्योंकि आप जो कह रहे हो वही प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, वही मुख्यमंत्री कह रहे हैं, वही डिप्टी सीएम कह रहे हैं। केवल समाजवादी पार्टी को अपमानित करने के लिए मैं ये जानना चाहता हूँ, सदन में मैंने मांग की कि टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी कर दो। अभी तक टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी नहीं की भारतीय जनता पार्टी ने, 100 माफियाओं की सूची जारी कर दे। टॉप 10 माफिया अगर सूची जब कभी जारी होगी उसमें सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी लोग। अतीक अहमद का खौफ इतना था कि दर्जन भर न्यायाधीशों ने अतीक अहमद के मामले की सुनवाई से अपने आप को अलग कर लिया था। योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद आज न केवल अतीक अहमद के खौफ का अंत हुआ है, बल्कि अतीक अहमद को अपने किए की सजा भी मुकर्रर हो रही है। पूरे मामले में जिस तरह से अतीक अहमद के खिलाफ अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्यों के आधार पर आज पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, उसके कारण ही यह संभव हो सका कि अतीक अहमद को आज दोषी सिद्ध माना गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बाकी मामलों में भी तेजी से न्यायालय उन्हें दंडित करने का काम करेगा और अतीक अहमद के खौफ का जड़मूल से अंत हो जाएगा, माफिया मिट्टी में मिल जाएगा। कार्रवाई भी जरूरी है, सजा भी जरूरी है, पर साथ ही साथ एक ऐसी व्यवस्था भी जरूरी है जिससे इस तरह के माफियाओं का राजनीति में प्रवेश ना हो पाए। अगर अपराधीकरण को आप बढ़ावा देंगे, अगर राजनीति में अपराधीकरण को आप आगे लाएंगे, तो कहीं ना कहीं इस तरह के माफिया हमेशा पैदा होते रहेंगे। पहली नजीर नहीं है, तमाम ऐसे बड़े नाम हैं जो बड़े बड़े नाम थे, जो आगे बढ़ते 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 इतने आगे बढ़ गए कि उनका नाम बड़े बड़े माफियाओं में शुमार होने लगा। और कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट करती है कि अगर हमको वास्तव में अपराध मुक्त समाज की स्थापना करनी है, तो उसके लिए हमको पहले राजनीति में अपराध का विकेंद्रीकरण खत्म करना होगा। चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर एक लंबे समय के बाद, 43 साल के लंबे कार्यकाल के बाद अतीक अहमद को सजा हुई, क्योंकि तमाम मामलों में सुनवाई होती थी, गवाह मुकर जाते थे और अतीक अहमद मुक्त हो जाते थे, पर यहाँ पर अतीक अहमद मुक्त नहीं बल्कि अतीक अहमद को सजा हुई है। हालांकि उनके भाई अशरफ को दोषमुक्त कर दिया गया, पर कहीं ना कहीं ये संदेश जाता है समाज के लिए भी, और संदेश यहाँ पर है उन माफियाओं के लिए भी जो अपने आप को सोचते हैं कि अगर हमको राजनीतिक सरपरस्ती मिल गई है तो कहीं ना कहीं अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर चूंकि हमारा देश संविधान व्यवस्थाओं और न्यायपालिका के ही हाथों चलता है, तो यहाँ पर सबके लिए समान व्यवस्थाएँ लागू है। अगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो भले ही उसका परिणाम 17 साल बाद आए या 27 साल बाद आए, पर सजा होना लाजमी है। और आज अतीक अहमद को सजा देकर न्यायपालिका ने एक नज़ीर भी पेश की है और तमाम ऐसे पीड़ितों के घाव पर मरहम लगाया है जो अब तक उस माफिया के द्वारा शोषित किए गए थे, हत्या के माध्यम से, डकैती के माध्यम से, रंगदारी के माध्यम से और फिरौती के माध्यम से, हत्या के प्रयास के माध्यम से और तमाम ऐसी बड़ी धाराएं, शायद ऐसी कोई धारा होगी जिस पर तामील ना होती हो। पर कारण ये था कि ताकत और खौफ से लोग इतना डरते थे कि तमाम मामले में बादी ही पलट गए या गवाह जो रहे वो गवाह पलट गए, और अगर नहीं पलटे तो उनका परिणाम भी यहाँ पर उमेश पाल जैसा ही हुआ है। और ऐसी तमाम नहीं, तमाम बातें हैं। यहाँ चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ बेहतर हो रहा है और समाज से इस तरह के माफियाओं का दौर खत्म होने वाला है, तो यहाँ को विपक्ष को भी यहाँ पर एक नई नीति के साथ बात करनी चाहिए और बात करनी चाहिए समर्थन की। यहाँ पर सरकार वापस उठाकर यहाँ विपक्ष अपनी फिलहाल जो जिम्मेदारी है उससे पीछे हट रहा है। खैर, यहाँ सपा प्रमुख का बयान और तमाम विपक्षी पार्टियों का कहना था, पहले भी कहा गया कि आप इस तरह की बात करते हैं, आप चर्चा करते हैं, पर आपको ये भी समझना होगा कि जो और लोग भी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही और वर्ग विशेष को ही यहाँ पर लक्ष्य क्यों बनाया जा रहा है। खैर, चर्चा महत्वपूर्ण है। हमारे साथ मेहमान जो कि रूबी करूँ, प्रवक्ता भाजपा से केसी भाई अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से रविंद्र भाई अपनी बात रखेंगे, तरुणमा श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी से अपनी बात रखेंगी, राजेन यादव वरिष्ठ अधिवक्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट से अपनी बात रखेंगे, सुरमणि यादव वरिष्ठ अधिवक्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट से अपनी बात रखेंगे और राजनीति विशेषज्ञ ग्रुप में गजेंद्र त्रिपाठी भाई अपनी राय देंगे। आप सभी मेहमानों से इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा और नेता भाजपा से रहेगा, किसी भाई सजा हुई और सजा के बाद एक नजीर, एक संदेश समाज के लिए, जनता के लिए, और सबसे बड़ी बात वो मरहम,
उन पीड़ितों के लिए जो अब तक सोचते थे कि अतीक अहमद का कोई कुछ नहीं कर सकता। फिलहाल सजा हुई है, साबरमती जेल से 30 घंटे का लंबा सफर करने के बाद तमाम तरह के अंदेशे और खुद की हत्या के अंदाज और संदेह के बाद यहां पर पहुंचा और पहुंचने के बाद हाई सिक्योरिटी बैरक में कल की रात गुजारी और आज सुबह फैसला आया। और फैसले को किस तरह देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष से लौरा लगातार ये भी कहा जा रहा है कि एक वर्ग को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। जी देखिए गौरव जी, पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आपने ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे आज चर्चा रखी है। और जो बात आपने अपने प्रोमो में कही जी कि इस फैसले से बिल्कुल जनता के अंदर एक संदेश गया है जी, और जनता का विश्वास न्यायपालिका के साथ में बढ़ा है जी। साथ ही साथ जो अपराधी वर्ग है, थोड़ा सा साउंड, जो अपराधी है जो ये समझते हैं कि कुछ समय के लिए सत्ता है, सत्ता परिवर्तित होगी, हमारा राज फिर से कायम होगा, या उसको लगता है कि इस समय हमारा राज कायम है, मैं सत्ता में हूं तो कभी सत्ता पलटेगी नहीं। लेकिन न्यायपालिका सत्ता आती है सत्ता जाती है जी, और न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम करती है और करती रहेगी जी। और आज माननीय न्यायालय का जो निर्णय आया है बहुत ही स्वागत योग्य, बहुत ही अच्छा निर्णय है जी। और आपने जिस तरीके से बताया कि लोगों ने अतीक के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, न्यायपालिका की जय जयकार भी की जी, और जो पीड़ित परिवार है जी, खास करके जो उमेश पाल जिसका अपहरण आज से 17 साल पहले 2006 में इसी अतीक ने किया था, कराया था, और उसको डरा धमका करके रिटर्न स्टेटमेंट ले लिया था एफिडेविट के साथ में कि हमने कुछ नहीं देखा, मैं इस मामले में गवाही नहीं दूंगा, हमसे कोई मतलब नहीं है जी। लेकिन उसके बाद में भी अतीक के अंदर कितना खौफ था, कितना खौफ ज्यादा था कि जो लास्ट गवाही थी ना होने पाए, उससे रोकने के लिए जिस प्रकार से उमेश पाल की हत्या करवा दी, और उसके साथ में जो सुरक्षा के लिए सरकार ने दो गरर दे रखे थे वो भी शहीद हो गए उसकी रक्षा करते करते। तो देखिए जो पूरा मामला है जी, और अपराध जगत में जैसा कि आपने बताया कि आज से 30 साल पहले इसने कदम रखा था और उसके बाद में किस प्रकार से लगातार अपने अपराध के साम्राज्य को अतीक अहमद बढ़ाता गया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ जी ने पहली अपनी जो सरकार थी योगी वंश सरकार में ही जो अपराधी थे अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने की कसम खा रखी। अच्छा। और उसी क्रम में अभी जब सदन के अंदर बहसा बहसी हुई पक्ष और सरकार और विपक्ष में, तब भी ललकारते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था योगी आदित्यनाथ जी ने कि इन अपराधियों को हम मिट्टी में मिला देंगे। उसपे विपक्ष के बहुत सारे कमेंट आए कि कैसी भाषा शैली क्या है, तो अपराधियों के लिए तो ऐसी भाषा शैली का इस्तेमाल होना चाहिए कि कम से कम उनके अंदर डर और दहशत दिखाई दे। अब आप देखिए जिस समय अतीक को गुजरात से यहाँ इलाहाबाद नैनी जेल के लिए लाया जा रहा था, क्योंकि ये नियमावली है कि अपराधी के समक्ष सजा की जो घोषणा न्यायालय करता है सुनाता है, अपराधी के समक्ष सुनाता है, तो उसको लाया जाना था। उसपे भी विपक्ष ने बहुत सारे सवाल खड़े किए और एक तरीके से पूरा प्रोटेक्शन में विपक्ष उतर आया कि इसकी हत्या हो सकती है, इनकाउंटर हो सकता है, गाड़ी पलट सकती है। हाँ। अच्छा। आप देखिए श्री अखिलेश यादव जी का बयान आया, गाड़ी पलट सकती है, क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में पुलिस इनकाउंटर कर रही है। अरे अपराधियों के अंदर भय व्याप्त होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद के अपराध को पाला पोसा, उसको सांसद बनाया, उसको माननीय बनाया, जिन पुलिस वालों को देख करके उसके पसीने छूटने चाहिए, उन पुलिस कर्मियों को उसके सामने सैल्यूट मारने पे मजबूर किया समाजवादी पार्टी ने। तो अपराध को महिमा मंडित करना, अपराधी का महिमा मंडन करना, अपराधी को माननीय बना देना, ये समाजवादी पार्टी का सगल जिस प्रकार से रहा, और उसका सबसे बड़ा लाभ अतीक अहमद को मिला और उसका जीता जागता उदाहरण अतीक अहमद है। तो आज जिस प्रकार से उसको सजा होने के बाद में दोनों भाई मिलकर के जिस प्रकार से रोए हैं, और ऐसी तस्वीरें पहले कभी नहीं आई कि उन दोनों की आंखों में जिस प्रकार से आंसू थे, खौफ जदा थे कि उम्र कैद की सजा हो गई। देखिए उनको आगे अधिकार है न्यायालय में, उच्च न्यायालय में जाने का अलग बात,
लेकिन हमें लगता है अभी वन बाय वन जिस तरीके से पूरा इसका अपराध का पूरा इसका इतिहास है और एक एक जितना बड़ा कार्यकाल इनका रहा अपराध का और अपराध का साम्राज्य जिस तरीके से स्थापित किया उसी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद इसमें निर्णय सपा प्रमुख ने बयान दिया है कि मुख्यमंत्री अपने सजातीय लोगों की टॉप लिस्ट बनाए, यहाँ पर टॉप टेन लिस्ट बनाए। देखिए समाजवादी पार्टी के मुखिया लगातार कभी ये कह करके कि गाड़ी पलट सकती है, कभी ये कह करके कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा लीजिए, कभी कह करके कि इतनी जल्दी क्या है, कभी उन चीजों को दूसरी तरफ डाइवर्ट करके कि ये लोग खुले घूम रहे हैं, तो प्रेम है क्या उसका राजनीतिकरण, नहीं नहीं कभी उसका राजनीतिकरण करके कुल किसी ना किसी तरीके से कभी जातिगत आधार पर, कभी धर्म के आधार पर हमेशा अपराधियों को बचाने का प्रयास किया समाजवादी पार्टी, ठीक है, और उनको माननीय बनाने का काम किया। अच्छा, लेकिन वो कितना भी बहाना कर ले, कितना हीलावाली कर ले, कितना भी प्रोटेक्शन में उतर आए, लेकिन जनता ये जान चुकी है कि अपराध मुक्त प्रदेश किस सरकार में हो सकता है और किन किन सरकारों में अपराधी पलते पोसते रहे, ठीक है, अपने साम्राज्य का विस्तार करते, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आज उल्टी गिनती शुरू हो गई है, ठीक है, ठीक है। और अतीक ही नहीं, अतीक जैसे तमाम सारे अपराधी जी, अब देखिए इनको कह दिया कि भाई आप समाज विशेष पे या धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करते हैं, लेकिन जब विकास दुबे का हुआ था इनकाउंटर तब भी कहते थे कि अरे तो ब्राह्मण को मार दिया जी। तो जो पार्टी आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेती थी तो वो पार्टी तो कहेगी कहेगी कि आप जो है मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, आप अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहे हैं। मैं तो खुल के कह रहा हूं जो आतंकवादियों का मुकदमा तक वापस लेने को तैयार बैठे हैं जी, तो वो अगर ये बात कह रहे हैं तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा प्रश्न चिन्ह उन्होंने नहीं खड़ा किया है। ये तो हमेशा से कहते रहे और करते रहे, क्योंकि वो प्रोटेक्शन करते रहे, आज प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो कोई ना कोई सवाल खड़ा करना लाजमी है। लेकिन जनता खुश है, जैसा कि आपने दिखाया अभी बताया अभी कि अतीक अहमद मुर्देबाद के नारे लगे, वही न्यायपालिका की जय जयकार के नारे लगे, सरकार की जय जयकार के नारे, ठीक है। प्रवक्ता सपा रविन भाई, यहाँ पर संदेश गया है, सजा मिली है और सजा का यहाँ पर बात केसी भाई स्पष्ट रूप से कह रहा है और बीजेपी भी कह रही है कि हमने मेहनत की, प्रयास किया, लेकर आए और हमारी सरकार माफिया को पोषित नहीं करती है। और जो मुख्यमंत्री ने सदन में कहा था कि माफिया को मिट्टी मिला देंगे, उसकी कार्रवाई शुरू हो चुकी है और तमाम ऐसे माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पर जिस तरह से सपा प्रमुख ने बयान दिया, सजाती लोगों की बात की, टॉप टेन की बात की, कैसे देखते हैं आप और इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है? कि एक खूंखार और दुर्दंड अपराधी को जी, जो उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार में पल पल बनप रहा था, एक दूसरे राज्य में बैठ के जी, उत्तर प्रदेश में अपराध कर रहा था जी, उससे छुटकारा दिला दिया जी। दूसरा जी, हमारी एमएलए श्रीमती पूजा पाल जी को भी एक आशावादी होगी कि उनके पति की हत्या में भी इस दुर्दंत अपराधी का भी वही गति होगी जो हुई है या इससे ज्यादा दुर्गति होगी। अच्छा, श्री उमेश पाल जी के परिवार को संतोष मिला होगा, ये तो अपहरण कांड का है और अब ये दूसरा मामला बचा हुआ है जी, श्री उमेश पाल जी के हत्या का, उसमें भी इस अपराधी की दुर्गति होगी जी। अब ये हमारे ऊपर अपराधीकरण का आरोप लगा रहे हैं जी, जो जो पार्टी जी, एक हत्यारे की पूजा करती हो जी, और समान हत्यारे की नहीं, बापू जैसे हत्यारे की पूजा करती हो, उस पार्टी से नसीहत हमको नहीं चाहिए। अच्छा, अब ये कानून व्यवस्था के दुरुस्तीकरण की बात कर रहे थे जी, कानून कानून व्यवस्था का सुन लीजिए। अभी एनसीआरबी ने पिछले साल अगस्त सितंबर में रिपोर्ट जारी किया है 2019-2020 का, उसमें आईपीसी के कुल अपराधों में उत्तर प्रदेश भारत में दूसरे स्थान पे है जी, महिलाओं के खिलाफ किए गए अपराध में तीसरे स्थान पे। अरे मुद्दे पे आइए भाई, मुद्दे पे आइए, मैं कह रहा था कि अतीक अहमद को यह सजा हुई है तो आप क्या राय है, समर्थन करते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, उत्तर प्रदेश अपराध हो रहा है, मुद्दा नहीं आपके लिए, बिल्कुल मुद्दा है, बिल्कुल मुद्दा है अमित भाई।
पर अतीक अहमद पे कार्रवाई हुई है, सजा हुई है। इसको सुनिए, ये संवैधानिक संस्था की रिपोर्ट है, आप सुनने से क्यों कतरा रहे हैं? हमने सुने कतरा रहे हैं, आप बताइए ना, मुद्दे के बाद लेके चलिए ना। मैं कतरा नहीं रहा हूँ, मैं कतरा नहीं कतरा रहा हूँ। आप जो बताएंगे वही मैं बोलूंगा। मैंने तो नहीं कहा है, आप वही बता बोलिए। मेरा कहना अतीक अहमद को सजा हुई है। नहीं रविंद्र भाई, वो आपकी इच्छा के ऊपर है, पर इस तरह मत बोलिए आप नाराजगी मत दिखाइए। मैंने केवल इतना कहा कि अतीक अहमद को सजा हुई। मैंने आपके पार्टी के प्रमुख का बयान भी सुनाया, उनकी बात को भी मैंने जोड़ा है, तो इस पर नाराजगी जाहिर मत करिए। सुनिए जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय हमारे पार्टी पे हर तरीके से आक्रमण कर रहे थे। मैं तो संवैधानिक बिल्कुल बोलिए। सुनने में क्या परेशानी? मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुद्दे को जोड़ के रखिए। तो मैं जाऊँ यहाँ से फिर। रविंद्र भाई, मुद्दे को जोड़ के रखिए, परेशानी कोई नहीं है मुझे, मुद्दे को जोड़ के रखिए। क्या मुद्दा है आप बताइए। मैंने बता दिया आपको, मुद्दा पता है मेरा, भाजपा सरकार की चरण पादुका बन जाए, यही मुद्दा है आपका। मैंने जो कहा आप इस बार को गलत ले रहे हैं। रविंद्र भाई, मेरा कहना यह है, अतीक अहमद पर सजा हुई है और आपके प्रमुख ने बयान भी दिया है, सजाती लोगों की लिस्ट जारी करने को है, उसको लेकर आप बात करिए, बिल्कुल वो आपको मौका है। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय समाजवादी पार्टी को अपराध आरोप लगा रहे थे, तब उन्हें आपने बीच में नहीं टोका। तो मैं आपको भी मौका दे रहा हूँ रविंद्र भाई, आप उस बात को गलत लेके जा रहे हैं, आपको भी मौका दे रहा हूँ, बोलिए। अपनी बात रखिए, टाइम ले रहे हैं, आप बीच में खड़े हो गए। मैं खड़ा नहीं हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप बोल सकते हैं। रविंद्र भाई, नाराजगी जाहिर मत करिए, आप बोलिए। हाँ तो सुनिए, फिर सुना दीजिए। एनसीआर तो ऐसे ही चला गया। हाँ। जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जी, इसमें दो प्रकार के अपराध होते हैं, आईपीसी और एसएसएल। आईपीसी के अपराधों में उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान पे है। अच्छा। महिला अपराधों में तीसरे स्थान पे है जी। रेप में तीसरे स्थान पे है। अच्छा। और दहेज हत्या में पहले स्थान में है, और पूरे भारतवर्ष की 33% दहेज हत्या केवल उत्तर प्रदेश में हुई है। अब एक दूसरी संस्था की बात बता रहा हूँ जी। दूसरी संस्था है एनएचआरसी, वो कहती है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कस्टोडियल लेस उत्तर प्रदेश में होती है। ठीक है, ये हमको सीख दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कानून व्यवस्था अच्छी है। फिर दूसरी बात जो आपने कही कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे जी। आप भी बढ़ाई करते हुए नजर आए। अच्छा, इसी बात को मैं तो बयान की बात कर रहा हूँ, आपका बयान भी बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री का बयान भी बता रहा हूँ। चलिए ठीक, सभा प्रमुख का बयान भी बता रहे हैं भाई, अब नाराज क्यों हो रहे हैं? तो आप सड़क पे जाके देख लीजिए, अदालत में जाके देख लीजिए जी, देखिए क्या दुष्परिणाम सामने आते हैं। अच्छा, तो उस बयान की निंदा करते हैं। तीसरा जो प्रमुख है जी, एक मैं आपके पास पहले भी भेज चुका हूँ, 1997 में एक आदेश आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट का जी, कि ट्रायल के दौरान मीडिया ट्रायल ना किया जाए जी, या विरोध प्रदर्शन ना किया जाए जी, उसका भी उल्लंघन हुआ जी। और जो एक रिमांड के अपराधी को, जो ट्रांजिट रिमांड के अपराधी का जो लाइव टेलीकास्ट किया गया जी, और 1500 किलोमीटर की दूरी 45 पुलिस वालों के साथ, 6 वाहन के साथ, जिसमें एक गाय भी टकरा के मर गई जी, इतनी बड़ी असुरक्षा के माहौल में लेके क्यों आए? क्यों हवाई जहाज में नहीं लेके आ सकते थे? बिल्कुल बड़ा सवाल है जी। 10 पुलिस कर्मियों के साथ क्यों नहीं लेके आ सकते थे? जी, बड़ा सवाल। गौरव जी, मीडिया गौरव जी, क्योंकि इनको मीडिया कैसी भाई कैसी भाई रुक जाइए, इनको चुनावी इवेंट बनवाना था, चुनावी इवेंट बनाना था पूरा। अच्छा, ट्रायल सुन लीजिए। आज ट्रायल चल रहा था जी, उसका भी मीडिया लाइव मीडिया प्रसारण कराया जी, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है जी। लेकिन ये सब एक चुनावी इवेंट है, इन लोगों ने मृत शरीर का भी चुनावी इवेंट कहां लाइव मीडिया प्रसारण हुआ? मैं जवाब दूंगा जी। रविंद्र भाई, पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी लाइव प्रसारण मीडिया में नहीं हुआ है। जो जानकारी आई है मीडिया ने केवल उस सुर्खियों को चलाया है, जो जानकारी आई है उसको बताया गया है, किसी भी कार्रवाई का लाइव प्रसारण नहीं हुआ है। जब तक कि कोर्ट स्वयं नहीं चाहता है, मीडिया किसी भी कोर्ट की कार्रवाई का लाइव प्रसारण नहीं कर सकती है। ये हमारी भी गाइडलाइंस है और ये कोर्ट की भी गाइडलाइंस है जी। मैं सारी वीडियो भेज दूंगा आपको जी, भेज दीजिएगा, मैं देखूंगा। ठीक है, बहुत नाराज है रविंद्र भाई, थोड़ा सा नाराज है मुझसे। ठीक है प्रवक्ता, आप तरुण जी, रविंद्र भाई तो पूरा बचाव पे उतर आया कि आप रोड से क्यों लेके आए? किसी भाई प्लीज, किसी भाई अभी अपने बोलिए, किसी भाई प्लीज जी बोलिए जी। गौरव जी, मैं उत्तर प्रदेश में अपराधियों की बात हो रही है, आज अपराध खत्म करने की बात हो रही है जी।
लेकिन इस उत्तर प्रदेश में जो सत्ता में बैठे थे लोग, जो भी पार्टी बैठी है सत्ता में, एक्चुअली में सब हमाम में नंगे हैं जी। हर पार्टी ने अपराधियों को संरक्षण दिया है। अच्छा, अब विकास दुबे को का मामला जो पीछे गया है उसमें वो जो गाड़ी पलटी है, आपको लगता नहीं गाड़ी क्यों पलटी गई? क्योंकि अच्छा, उसको सभी पार्टियों के अंदरूनी मामले मालूम थे, उसे पता था कि कौन नेता मेरे साथ जुड़ा हुआ है, ये खुलासा ना हो जाए इसलिए उसको उसकी गाड़ी पलटी गई। तो भाजपा सरकार में, योगी सरकार में पलटी गई, इसका मतलब भाजपा से भी अच्छी उसकी दोस्ती थी और भाजपा के जो अपराध जो थे वो दुबे जो है, विकास दुबे किया करता था, उसको ठीक किया करता था। अब आप आ जाइए अतीक अहमद पे। अतीक अहमद का मामला इस समय जोरों शोरों पे है, ठीक है, वो जिस पार्टी ने उसे संरक्षण दिया, सांसद बनाया, विधायक बनाया, अब उस पार्टी, वो पार्टी तो चली गई सत्ता से, जनता ने उसे बाहर कर दिया जी। और अच्छी बात है उसको सजा हो, लेकिन 43 इयर्स उसको जो संरक्षण मिला वो कैसे मिला? 43 इयर्स जो है वो कई सारी सरकारें रही, कांग्रेस भी रही, सपा भी रही, बसपा भी रही जी। और सबसे बड़ा सवाल मैं एक चीज और पूछूंगी, रमाकांत यादव जो आजमगढ़ से हैं जी, उनको तो सभी पार्टियों ने टिकट दिया था, यहाँ पर भाजपा कहाँ छूटी हुई है? भाजपा जी, भाजपा जो है उनके प्रवक्ता बताएंगे मुझे कि उनको सजा कब होगी? उनको वो इतने बड़े अपराधी, वो अतीक अहमद के बराबर के अपराधी हैं और उनको सजा नहीं हो रही, उनका मामला कब उठाया जाएगा? क्योंकि भाजपा से उन्हें उन्होंने भाजपा जो ज्वाइन कर रखा है, कर रखा था 2017 तक, तो इस मामले को भी वो बताया रमाकांत यादव का जी। अब आप धनंजय सिंह जी को आ जाइए, धनंजय सिंह जो बड़े गैंगस्टर रहे, अपराधी रहे, है ना, नेता रहे, वो भी भाजपा से उनका बड़ी दोस्ती आ रही है, उनसे उनकी पत्नी का भी टिकट, मतलब उनकी फैमिली का भी टिकट हुआ जी। तो भाजपा जो है अपने लोगों के जो गैंगस्टर हैं, जो बड़े अपराधी हैं, उनको बचा रही है जी। और दूसरे विपक्षियों के जो साथ जो अपराधी हैं उन पर कार्रवाई कर रही है। अच्छी बात है कार्रवाई करे, अच्छा, लेकिन अपने जो दोस्त यार हैं उन पर भी कार्रवाई। अच्छा करे जी, तरुणमा जी, आपने कहा कि सपा की बात की, रमाकांत यादव की बात की, आपने बीजेपी की बात की, आपको पता है एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के जो विधायक हैं उनमें से आधे विधायकों के साथ जो खिलाफ बड़े आपराधिक केस दर्ज है, इसकी जानकारी आपको है? देखिए ऐसे ऐसे तो आप भाजपा, एडीआर की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये एडीआर की रिपोर्ट है, बीजेपी सपा सबके लिए है, सब में है, तो आपको इसकी जानकारी है? भाजपा के, देखिए मैं आपको बताती हूँ, बता दीजिए। अभी पार्टी, देखिए जो विधायक चुने जाते हैं उनके छोटे मोटे अगर केस दर्ज होते हैं, गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है, तरुणमा जी गंभीर आपराधिक मामले, रिपोर्ट मेरे पास है, रिपोर्ट मेरे पास है। भाजपा जी भाजपा के अगर 90% विधायक सांसद उठा ले तो उन पर हत्याओं का मुकदमा है, उन पर अपहरण का मुकदमा है, बलात्कार का मुकदमा है। अच्छा, तो मैंने आपसे क्या कहा जी? कि अगर भाजपा अपने साथियों पर सजा होने करने लगी, अगर वो अपराधियों को खत्म करने का काम कर रही तो भाजपा आधे से 90% भाजपा तो खत्म हो जाएगी, सब जेल में जाकर बैठ जाएंगे। और वो तक किसी में बताए कितने खत्म हो गए, ठीक है, को खत्म करने का काम कर रही है जी, तो करे जी, लेकिन महिला सुरक्षा पर भी काम करे, चलिए ठीक है, व्यापारियों की सुरक्षा पे भी काम करे, ठीक है। अतीक अहमद पर कार्रवाई हुई है, सजा मिली है, आम आदमी पार्टी के सजाए, सिंगल स्टेटमेंट जी। तरुणमा सिंह, तरुणमा जी, सिंगल स्टेटमेंट क्या बोलेंगे आप जी? अतीक अहमद पर जो सजा हुई है, सिंगल स्टेटमेंट स्वागत करती हैं? नहीं, अतीक अहमद पर जो सजा हुई है ये न्यायपालिका के काबिले तारीफ है और मैं इसका समर्थन करती हूँ कि ऐसे अपराधियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। ठीक ठीक है, ठीक है। राजन यादव, बड़े अधिवक्ता हाईकोर्ट, सजा हुई है, तमाम मुकदमे दर्ज थे पर उस पर एक मुकदमे पर यहाँ पर सुनवाई के बाद सजा का ऐलान हुआ, उमर कैद की सजा, 7 लोगों को आरोप से मुक्त किया गया, बरी किया गया, सजा को कैसे देखते हैं? और 17 साल की लंबी प्रक्रिया, कहीं ना कहीं ये हमारे न्यायपालिका पर भी एक प्रश्न उठाती है कि अगर हम तारीखों पर तारीख देते रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक जो वर्चस्व है, एक भरोसा है, वो कहीं ना कहीं कम हो रहा होगा,
क्योंकि यहाँ पर न्यायपालिका समय समय पर नजर तो पेश करती है, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर भी सुधार की आवश्यकता है। राजन यादव, आपकी क्या राय है और अति गैमर पर सजा पर कैसे बोल? बिल्कुल गौरव जी, मैं ये कहना चाहूंगा जी कि एक अपराधी को सजा हुई है और माननीय कोर्ट ने सजा सुनाई है, इसका राजनीतिकरण करना ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है जी। और ये जनता में एक आम नैरेटिव डेवलप होता है जी कि ये जो कोर्ट है जी उस पर भी कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल का हस्तक्षेप है जी। अगर इस चीज का लाभ लेने की कोशिश अगर सत्ताधारी दल करेगा जी तो ये गलत नैरेटिव एक बिल्डअप होता है पब्लिक। अच्छा। पहली चीज ये नहीं होना चाहिए। अच्छा। दूसरी चीज, एक माफिया जिसने अपराध किया था उसके अपराध की सजा अच्छा तय करना ये जुडिशरी का काम है और जुडिशरी इस चीज के लिए स्वतंत्र है। अच्छा। जुडिशरी किसी के दबाव में काम नहीं करती है जी। रही बात लंबे वक्त की जी, तो ये एक न्यायिक प्रक्रिया है जी। और ट्रायल में कई पहलुओं पर कोर्ट को विचार करना होता है जी। और कई बार कई कारण होते हैं जिससे मामले लंबे खिंच जाते हैं जी। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जी गौरव जी, इसमें कुछ नया नहीं है। अच्छा, स्वयं प्रक्रिया है, पर कहीं ना कहीं साथ एक अगर देखा जाए तो एक उम्मीद जो होती है वो टिकी तो रहती है कोर्ट पर, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी बात होती है तो आदमी बोलता है कोर्ट में मुलाकात होगी, कोर्ट पे भरोसा रहता है। पर कहीं ना कहीं यहाँ पर भी एक कुछ गुंजाइश व्यवस्था ऐसी लागू होनी चाहिए कि कम से कम जो बड़े बड़े मामले हैं इनकी सुनवाई जल्दी होनी चाहिए, खासतौर से इस तरह के बड़े बड़े माफियाओं के खिलाफ जी। जी बिल्कुल गौरव जी, आप सही कह रहे हैं जी कि इस तरीके से बड़े अपराधियों को इससे बल मिलता है निसंदेह। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया है और सारे पहलुओं को दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोर्ट कोई निर्णय दे सकती है जी, तो जाहिर से बात है इसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए सुधार जी। और लेकिन कोर्ट स्वतंत्र है और जब तक दोनों पक्षों को सुन नहीं लेगी जी तब तक वो अपने निर्णय नहीं दे सकती है। ठीक है, ठीक है राजेंद्र। सुब्रमण्य यादव, अधिवक्ता हाईकोर्ट। सुब्रमण्य भाई, आपसे एक अलग मेरी जानकारी रहेगी, जो यहाँ पर सजा का ऐलान किया गया उमर कैद, बड़ी सजा, मृत्युदंड के बाद मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ी वजह है, तो सजा यहाँ पर मृत्युदंड दी गई है कि मृत्युदंड नहीं यहाँ पर उमर कैद, मांग फांसी की थी, मृत्युदंड की थी, पर यहाँ पर सजा उमर कैद की हुई है। क्या जो धाराएं थी, जो मामला था, वो सजा के योग्य था या वास्तव में एक कठोरतम सजा देकर एक अलग तरह का संदेश दिया गया है? कैसे देखिए गौरव जी, जी एक न्यायिक जो प्रोसीजर होता है जी उसमें बहुत डीप जाना पड़ेगा हमको इसके लिए जी। होता है जो ट्रायल चलता है, ट्रायल पर जो एविडेंसेज आते हैं जी, एविडेंस स्टेट से भी आता है और एक्यूज की तरफ से भी आते हैं जी, और जो गवाही आती है उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है जी। तो हमारी जो न्यायपालिका, वाकई में ये एक स्वच्छंद है हमारे भारत में जी, और ये उस पर गहन अध्ययन करती है जी, एविडेंस के ऊपर ही वो सजा सुनाती है। 64A का मुकदमा चला था अतीक के ऊपर जी, 64A में है भय में डालकर अपहरण करना, अपहरण करने के बाद जी उसको कहीं पर अपनी मनसा नहीं दबाव डालकर कहीं पर गिरफ्त में रखना अपने जी, जी। ठीक है, इसमें जो सजा है वो उम्र कैद है जी या मृत्युदंड, मृत्युदंड उम्र कैद दोनों है, ये डिपेंड करता है सजा कौन सी होगी जी। अब इस केस में चूंकि उमेश पाल एक स्वयं अधिवक्ता थे जी, पैर भी कर ले गए। मैं आपको बताऊं बहुत सारी चीजें कि क्यों लेट होता है न्याय जी, में जी, और सारी चीजें, ये सब कुछ हमारे सिस्टम पर डिपेंड करता है। बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस उसको जो है एविडेंस कैसे कलेक्ट कर रही है, कितना समय लगा रही है, चार्जशीट कैसे बना रही है, उसको न्यायालय में कैसे प्रस्तुत कर रही है, किस ढंग से प्रस्तुत कर रही है, इस पर भी डिपेंड करता है। और बाद में फिर जब ट्रायल चालू होता है उसमें गवाह कब आ रहे हैं, कब नहीं आ रहे हैं, बिना गवाहों को सुने कोई भी फैसला भी देना न्यायोचित नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से जो न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है जी, ये बिल्कुल उचित है। गवाहों के बयान का अध्ययन करके दिया होगा, आरोपों का, पुलिस के आरोप का अध्ययन करके दिया होगा और बिल्कुल सही दिया होगा। अगर किसी को लगता है कि नहीं ये आदेश जो आया है ये उचित नहीं है तो ऊपर के न्यायालय इसीलिए बनाए गए। ठीक है, ठीक है। गजेंद्र त्रिपाठी, गजेंद्र भाई आपकी क्या राय है? तमाम लोगों को आपने सुना भी, पूरा मामला भी आपको पता है और विपक्ष की क्या राय है वो भी आपको पता है, कैसे आप इस पूरी बात का सिलसिले से करेंगे? गौरव भाई देखें जी, सजा अदालत द्वारा दिया गया है जी और वो
आज के समय में जी देखा जाए, अगर जो सरकार है जी, अगर ऐसी सरकार नहीं होती अच्छा तो सजा दिलवा भी नहीं पाती। अभी जो आई है बात ना, उठी है प्रश्न कि सरकार अपना पीठ न ठोके, अगर ये सरकार नहीं होती तो सजा भी नहीं होती, अदालत चाह करके भी सजा नहीं दे पाती। हालात तो देखा गया है ना कि गवाह को भी जिंदा नहीं छोड़ा गया है। जी। तो ये माफिया हैं सब, और इन समूह को बड़ा बनाने में नेताओं से ज्यादा जी जनता सहयोग की है। अच्छा, जब जब इनको सफेद पोश हम देंगे जी तो इनका संरक्षण मिलेगा। बिल्कुल, कोई न कोई पार्टी इनको अपने पास में बैठा लेती है, और जब बैठा लेती है, विधायक और सांसद आप ही बनवाए, जब बैठा लेती है इनको तो उसके बाद होता है कि ये बड़ा माफिया है। नहीं, जनता ने इनको माफिया बनाया है। बिल्कुल, और जनता के द्वारा बनाए हुए इस माफिया को जी, इस अपराधी को जी अदालत ने सजा दिया जी। यहाँ दो दो कानून के विशेषज्ञ हैं यहाँ पर जी बैठे हुए हैं, ये जानते हैं कि सजा एविडेंस पे ही हुई है। बिल्कुल, लेकिन इस एविडेंस को मेंटेन करना जी, गवाहियों जितने भी गवाह हैं उनको संरक्षण देना जी, ये सरकार की जिम्मेदारी थी। बिल्कुल, उसके बावजूद भी हत्या हुई है ना जी। ये इतना बड़ा माफिया है कि जेल में बैठ करके हत्या करवाता है। रविंद्र भाई मुस्कुरा रही है आपकी बात पर, ठीक है, जेल में बैठ करके हत्या करवाता है, और जिसके ऊपर सैकड़ों मुकदमे। आप ये बताएं, अगर इसको आज से 10 साल पहले तमाम केस हैं जो अभी भी 20 साल हो गए हैं, ठीक है 25 साल हो गए हैं, इसको 20 साल पहले यदि या 10 साल पहले यदि इसको किसी केस में सजा हो गई होती, आज ये दूसरा केस नहीं होता। हमारे यहाँ माफियाओं को पाला जाता है, राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है, उनसे हत्याएं करवाई जाती हैं, उनसे हत्याएं करवाई जाती हैं, व्यापारियों को लुटवाया जाता है, दबाव बनाया जाता है। इतने भी टेंडर आप देख लें, आज की डेट में ई टेंडर हो गया है, नहीं तो टेंडर के लिए गोली चलती थी। जिसके पास जितने आदमी हैं, हथियार हैं, उसी का टेंडर है। टेंडर की प्रक्रिया यही था उत्तर प्रदेश में। अच्छा, ठीक ठीक है, बाबा का राज में क्या मिला आपको? अच्छा, हथियार लेकर के आप टेंडर डालने नहीं जा सकते। अच्छा, यहाँ तक कि आज देखिए, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, टेंडरिंग के बावजूद भी ये रूल है, ये रूल है कि आप डॉक्यूमेंट ले जाकर के सबमिट करते हैं जी, ठीक है, ठीक। यही माफिया क्या करते थे, इनके गुर्गे हर जिले में वहां बाधित करते थे जी। तो जो समस्या है उस समस्या का समाधान सिर्फ जनता के पास है, न अदालत के पास है, न इन इन नेताओं के पास है। ठीक है, ठीक है, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ, एक बात कह दूं, बोल दीजिए, बहुत लेकर के विनम्रता के साथ जी, कि हमारे उत्तर प्रदेश की जनता यदि शांति चाहती है जी, तो इन नेताओं पर सफेद पोष न आने दो जी, इनको नंगा रखोगे जब तक आप जी, ये जो माफिया हैं, जो नेता बन के आते हैं, इनको कभी जीतने मत दो, ठीक है, ये हारते रहेंगे, कोई पार्टी इनके ऊपर हाथ नहीं रखने वाली है। बहुत बढ़िया बात, जो अखिलेश जी ने बात कही है अभी आपने कहा जी, आपके नेता ने, भाई अखिलेश जी ने तो सही बात कही, भाई टॉप 10 टॉप 20 की लिस्ट दो ना जी, टॉप 20 की लिस्ट दो जी, और टॉप 20 के ऊपर भी कार्रवाई करो जी, टॉप 20 पे कार्रवाई नहीं करोगे आप जी, आप ढूंढोगे भाई मुद्दा मैंने बनाया था, फला के करने पर जी हमारे वोट में इतने परसेंट का इजाफा होगा जी। बिल्कुल सही बात है कि मीडिया का जो बात हुई अभी, चाहते तो प्लेन से उठाते लेके आते, हाँ। उसको यहाँ पर रखते लेकर के चले जाते जी। मीडिया ट्रायल करना है पूरे देश में, वोट की राजनीति की जाती है, वोट की राजनीति का कहीं न कहीं दुरुपयोग चलिए हर राजनीतिक दल करता है। टॉप लिस्ट अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए कि दूसरी मीटिंग में या दूसरे डिबेट में हम लोग रहेंगे, टॉप लिस्ट कितने दिन में जारी होने वाली है, चलिए जारी नहीं होने वाली है, पूछ लेता ठीक है। किसी भाई, आप रविंद्र भाई की बात पर बड़ा मुस्कुरा रहे थे, गजेंद्र भाई की बात पर बड़ा मुस्कुरा रहे थे, क्या बोलेंगे भाई, टॉप लिस्ट कब आएगी? देखिए आदरणीय गजेंद्र जी तो वरिष्ठ पत्रकार जी, और उन्होंने एक समीक्षा रखी और स्वतंत्र रूप से समीक्षा रखी बिना लाग लपेट के। अगर उन्होंने पिछली समाजवादी पार्टी की कमियां गिनाई तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की भी कुछ कार्यों की कार्यशैली से अपनी नाखुशी जाहिर की। बिल्कुल, तो देखिए गौरव जी, यही खूबसूरती है लोकतंत्र की जी। और
खास करके मीडिया की, कि मीडिया स्वतंत्र होकर के जिस प्रकार से काम करता है, ये अलग बात है कि अगर किसी के मन की बात ना हो, हमारे मन की बात ना हो तो हम कहते नहीं आप पक्षपात कर रहे हैं, अगर आप कांग्रेस के मन की बात ना करें तो कांग्रेस वाला कहते हैं पक्षपात कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन मीडिया स्वतंत्र रूप से काम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात ये कि देखिए जिस प्रकार से अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे और कि आप उसको प्लेन से ले आते, मीडिया ट्रायल हो रहा है, मीडिया की लाइव प्रसारण हुआ, पहली बात तो लाइव प्रसारण बना रहे हुआ नहीं, इवेंट बना रहे और उसको नहीं नहीं इवेंट नहीं, देखिए ऐसा है कि इवेंट तो अभी तक हुआ। अच्छा इवेंट अभी तक ये हुआ कि बता रहे थे कि भाई 5 बार का विधायक सांसद रह चुका है, वो बहुत महान व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये तो उसके साथ ये उसका इनकाउंटर हो सकता भाई, ये है क्या? उसकी गाड़ी पलट सकती है, आपने ये कहा है क्या? उसको तो बचाने के लिए तमाम तरीके के तर्क करने का काम विपक्ष लगातार कर रहा है। लेकिन सच्चाई ये है, सच्चाई ये गौरव जी की जब से 24 घंटे तक झूठ क्यों बोल रहे हैं आप, उसकी सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे रही, उसकी सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे रही, जब तक ब्रेकर पड़े तब तक लगा कि कहीं गाड़ी पलट न जाए। अच्छा तो अपराधी जिसने सीधे अभी आपने भी कहा, अभी गजेंद्र जी ने भी कहा कि इतना बड़ा माफिया कि अगर उसको लग रहा था हमें सजा हो जाएगी एक व्यक्ति की गवाही पर, तो सीधे उसी को सफाया करा दिया, उसी को मरवा दिया, हत्या करवा दी। अच्छा। और उसके साथ जो उसकी सुरक्षा में दुकरण लगे थे उनकी भी हत्या हो गई। तो ऐसे दुर्दांत अपराधी को क्या बिल्कुल सेफ जोन में रखना चाहिए? जी बिल्कुल, चारों तरफ से रुई के फाये के अंदर लपेट करके एकदम बिल्कुल ऐसे सुरक्षित रखिए जैसे उसके अंदर वो मोम का पुतला हो, उसके ऊपर कोई खरोच ना आ जाए। अच्छा तो इतना दुर्दांत अपराधी अगर उसको गाड़ी से लाया गया तो क्या दिक्कत है? और अगर उसकी 24 घंटे भाई बोल रहे हैं आप, 24 घंटे ट्रेनिंग मिलती है, 24 घंटे उसकी सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे रही, अच्छा रहनी भी चाहिए। अच्छा और आज जो उसके सजा होने के बाद जो दोनों लोगों के आंसू निकले, समय कम है, तो क्या इस तरीके की चीजें पहले कभी दिखाई दी? अच्छा नहीं दिखाई दी। अच्छा, तो उसका मनोबल टूट रहा चाहिए। अच्छा और माननीय न्यायालय ने जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया है, और इस न्यायालय के निर्णय से जैसे कि राजन जी ने भी कहा और हमारे सूर्यमणि जी ने भी कहा कि न्यायालय के निर्णय से समाज के अंदर एक संदेश जाता है, और समाज के अंदर सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि न्यायपालिका पे विश्वास और भरोसा बना रहे, जिससे कि बदले की भावना से समाज के अंदर कोई व्यक्ति काम ना करे, क्योंकि अगर आंख के बदले आंख ली जाएगी तो पूरा की पूरा समाज अंधा हो जाएगा। ठीक है ठीक है। तो इस प्रक्रिया रविंद्र भाई की बात बता दीजिए और न्यायपालिका पे भरोसा। रविंद्र भाई के दो सवाल थे, कहते हैं आप लोग झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है क्या, और दूसरा उन्होंने कहा था सजातीय लोगों की लिस्ट कब बनेगी, ये बता दीजिए। देखिए इसके पहले भी जब योगी वंश सरकार थी तब भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे जी। और लगभग 6000 इनकाउंटर में जो 110 लोग 10 लोग जो है उसमें कैजुअलिटी के झूठ बोलने की ट्रेनिंग का 10 लोग जो मर भी गए वो बता दीजिए, 10 लोगों ने जो अपनी जान गंवाई जिन अपराधियों ने उसमें इनकाउंटर में, इनकाउंटर करीब 6000 हुए थे योगी वन की सरकार में। अच्छा। और उसमें 5000 दुर्दांत अपराधियों को पकड़ करके इसी इनकाउंटर के द्वारा जेल भेजा गया था, जो 5 साल तक समाजवादी पार्टी सरकार में पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। अच्छा। 1-1 लाख 2-2 लाख के नामी बदमाश थे। अच्छा। और ये कहते पुलिस कुछ नहीं करती है, शासन प्रशासन से कोई मतलब नहीं, न्यायपालिका सब कुछ करती है। अरे न्यायपालिका तो तब करेगी उसको जेल भेजे गया, आपने तो उसको जेल ही नहीं भेजा था, क्वेश्चन डायवर्ट कर दिया करके जब गिरफ्तार करके हमने जेल भेजा, सुन लीजिए कुछ बोल रहे हैं, गिरफ्तारी क्यों कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कैसे भाई रविंद्र भाई कुछ बोल रहे हो गया, अरे अपराधी है उनको आईपीसी में जी। सबसे घृणित घिनौना अपराध है बलात्कार का जी, और उसी को आपने बलात्कार का आरोपी बनाया था जी, उसी को 376 के 376 के मुंजिर को प्रत्याशी बनाया था, आपके राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल से पश्चिम यूपी में 376 के मुंजिर वो उसको आपने प्रत्याशी बनाया था अपने गठबंधन के साथ, और आप ये भी कहते सबसे गलत काम है, सबसे गलत काम है तो गायत्री प्रजापति आपका समाजवादी पार्टी में क्यों, गायत्री प्रजापति का नाम ले रहे भाई, पार्टी से बाहर नहीं हुए, सुन लीजिए पहले पार्टी बाहर क्यों नहीं किए, गायत्री प्रजापति को बोल रहे हैं पहले जो कर अब तो जितने प्रजापति का लेना हो तो अभी हम इनके 51 लोगों का नाम गिना देंगे, पहले एक का सुन लीजिए, नाम सुना दीजिए, कुछ नहीं गिना पाएंगे, एक का भी नहीं बता पाएंगे, एक का नाम नहीं बता पाएंगे, पहले गायत्री प्रजापति को पार्टी से बाहर करिए ना,
बलात्कार के मुजरिम को अभी तक क्यों नहीं निकाला आपने? सजा होता है वो तो, उनको पार्टी से बाहर नहीं किया, लगाए गले। अच्छा, जब बलात्कारियों को उत्तर प्रदेश सरकार संरक्षण देगी तो किस बात का पीस ठोकेगी? दूसरा और सुन लीजिए, वर्तमान के सवाल का जवाब नहीं देंगे, दुनिया भर में घूमेंगे। आपने कभी सुना अपने पूरे जीवन में कि किसी भी कैबिनेट में तीन मंत्री सजायाफ्ता मंत्री वर्तमान में हो? ये उत्तर प्रदेश सरकार का और भारतीय जनता पार्टी सरकार का चरित्र है। अरे एडीआर की बात, आपको लगता है अगर गलत हो रहा है यहाँ बैठ के झूठ बोलने से अच्छा है न्यायालय की शरण में जाइए। जब चुनाव आते हैं मशीन के लिए चले जाते हैं न्यायालय, वो सजा याफ्ता चले हो गया, हो गया, हो गया। समय कम है, आखिरी समय में आज डिबेट लोड डेट्स हुआ, ठीक है। तरुणवासी याफ्ता को बोल रही थी आप, तरुणमा जी। जी मैं गौरव जी ये बता रही थी कि इनको झूठ की ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है? इनको झूठ की ट्रेनिंग जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिलती है, चलता है। और देखिए सबसे बड़ा झूठ तो पहले योगी इवेंट बना रहे थे, अभी हमारे माननीय बता दिया एनसीईआरटी की रिपोर्ट पे अपराधी जो है उत्तर प्रदेश कोई काम नहीं करते, सिर्फ हर चीज का इवेंट बनाते हैं, हर चीज का इवेंट बनाते हैं। कोई सिर्फ कागज पर फाइल बनाते हैं, फिर फ्लैक्स लगाते हैं, योगी जी का बड़ा चेहरा, दूसरी तरफ मोदी जी का चेहरा, अरे सिसोदिया जी का लगाइए भाई, ये देखते हैं कि ये देखो योगी जी का चेहरा, मोदी जी का चेहरा, फ्री का लगाइए ना लेबल सब जगह पे, क्या जरूरत है क्योंकि किसी और विभाग की, तो उस पर कोई इतना बढ़िया विभाग है, आबकारी विभाग है, आपके पास जो बजट है उसमें से आधा एकमात्र विभाग है शराब की खर्चा हुआ, शराब माफिया को बना दीजिए, एक के ऊपर एक फ्री कर दीजिए, क्या जरूरत है सवाल जवाब करने की? बोलते हैं तो जुमला पार्टी है, झूठी पार्टी है, एक के ऊपर एक फ्री, ठीक है ठीक है, बोतल बाकी है केवल बस, ठीक है बोतल बाकी है, ठीक है। राजन यादव कैसे कैसे सारा व्हाट्सएप करिए भाई, लेकिन सच्चाई उन्हें कुछ नहीं पता, सच्चाई नहीं पता, ठीक है ठीक है। राजन यादव मेरा आपसे एक सवाल आखिरी है, ये क्योंकि अंतिम समय चल रहा दौर डिबेट, क्या क्या कह रही बहन जी? वो कह रही है आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर आते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आप लोग पढ़कर आते हैं, अब अपर कोर्ट में अपील करेंगे और अपर कोर्ट की क्या स्थिति रहेगी यहाँ पर, कुछ आपकी राय क्या रही? मुझे लगता है गौरव जी की अपील जरूर करेंगे, और क्योंकि ये उनका संवैधानिक अधिकार है जी, और लेकिन ये डिपेंड करता है अतीक अहमद के ऊपर कि वो उच्च न्यायालय जाते हैं कि नहीं जाते हैं जी। वैसे 99% ये मान के चलिए कि वो जाएंगे जरूर जी, और क्योंकि उच्च न्यायालय का उसका अपना विवेकाधिकार है जी, कि इनको वो सजा बरकरार रखे जी और या इनको दोष मुक्त करे, वो तो फैक्ट को देखने के बाद में कोर्ट अपना डिसीजन देगा, ठीक है। सुरमणि जी मेरा एक सवाल आपसे अलग रहेगा कि जो ये सजाएं होती हैं समय अनुसार अगर इस तरह की सुनवाई होती रहे तो क्या जैसे फास्टैग कोर्ट है, तमाम तरह के मामले ऐसे होते हैं जिनको जानबूझ के फास्टैग कोर्ट में भेजा जाता है कि सजा जल्दी आए, क्या हमको चाहिए ऐसे तमाम जो मामले हैं जो पुराने चले आ रहे हैं 15-20 साल पुराने मामले, इन सभी मामलों का न्यायपालिका को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द उन पर सुनवाई करनी चाहिए, कैसे लिखते हैं? देखिए जल्द से सुनवाई के पक्ष में हम भी हैं, लेकिन यहाँ समस्याएं कोर्टों की भी हैं जी, हमारे पास उतने जुडिशियल अफसर नहीं हैं जी, तो पहली बात तो जुडिशियल अफसर बढ़ाए जाए जी, कोर्टों की संख्या बढ़ाई जाए जी, और पुलिस को ट्रेंड किया जाए कि जल्द से जल्द वो चार्जशीट फाइल कर दिया करे जी, ईमानदारी के साथ जी। अभी जैसे हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी गजेंद्र त्रिपाठी जी ने कहा एक बात बड़ी अच्छी लगती है, जैसे इसका राजनीतिकरण जो होता है जी, तो इसका प्रभाव कोर्टों पर भी न्यायालयों पर भी हमारे पड़ता है। जैसे आपने कहा एक चीज बड़ा, बाबा की सरकार है, बाबा की सरकार में ही सजा मिल सकती है। हाँ। मैं इनकी बात इस बात से असहमत हूँ, क्योंकि इसी बाबा की सरकार में जी, इसी केस में जी,
जो पीड़ित थे उनकी इसी बाबा की सरकार में ही हत्या होती है उमेश पाल की, तो वहां बाबा की बाबा क्यों नहीं हुआ जी? यहाँ पर बाबा देखिए सरकारों पर मत जस्ट मिनट, सरकारों पर हमें नहीं जाना है। न्यायपालिका ना तो सरकार को देखकर काम करती है ना तो उसके अगेंस्ट करती है। न्यायपालिका जो है विचारण जो करती है, जो एविडेंस आते हैं उस पर केवल निर्णय देती है जी। तो उसने न्यायपालिका ने अपना उचित काम किया और ये बहुत जरूरी है कि न्यायपालिका में जो है जजेस की संख्या बढ़ाई जाए और ट्रायल को फास्ट किया। सुरमणि जी मैं एक बात जरूर कहूंगा, क्योंकि आपने यहाँ पर कहा कि इस मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है जी। भाई इसलिए हो रहा है कि माफिया 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रहा है। जब इस तरह के माफियाओं को आप राजनीति में जगह देंगे तो जब चर्चा होगी और सजा होगी तो डिबेट भी राजनीति ही होगी, क्योंकि इसकी जिम्मेदार पार्टियां हैं, इसकी जिम्मेदार जनता है। पार्टियां टिकट देती है, जनता वोट देती है, तभी ऐसे माफिया विधायक और सांसद बनकर आपके सदन को गरिमा को बढ़ाते हैं और तमाम तरह की बातें ऐसी करते हैं जो शायद सुनने योग्य भी नहीं है। और कृत्य ऐसे है कि 100 से ज्यादा मामले दर्ज है। अपनी बात पकड़िए, बोलिए जी। जी जैसा आपने कहा कि इसकी जिम्मेदार, इसका जिम्मेदार पूरा समाज है, पूरा सिस्टम है। हम लोग माफियाओं को जो है अहमियत देते हैं, उनको वोट करते हैं, इसीलिए तो उनका मनोबल आगे बढ़ता है। सबसे बड़ी बात, सबसे इसमें एक बात और आ रही है, पुलिस का बहुत अहम रोल होता है माफिया को बनाने में। अगर वो छोटे अपराध पर पुलिस उस पर अंकुश लगा ले जाए, अपने कर्तव्य का निर्वहन कर दे, उसको चार्जशीट करके न्यायालय पहुंचा दे जी, तो ये अपराधीकरण कम हो सकता है। बहुत बढ़िया गजेंद्र भाई, आखिरी कमेंट डिबेट खत्म करता हूं जी। एफिडेविट के साथ जी न्यायालय में जी अपनी बात को रख देना जी, और उस बात को पलट जाने के बाद जी गवाह का हत्या हो जाना जी। एफिडेविट कब दिया गया था? बाबा की सरकार में जी। नहीं, बाबा की सरकार नहीं थी। अच्छा, वही बात ना मैं जो कह रहा हूं आपसे जी, जब कोई सरकार ऐसी रहेगी जो हमें और आपको प्रोटेक्ट करेगी और माफिया पे दबाव देगी, तभी न्यायालय भी अपना निर्णय दे पाता है। बहुत बढ़िया बात है। इस बीच अगर आपसे बता दूं, मैं आपसे कह दूं, अगर यही निर्णय अभी नहीं होने वाला होता जी, ये 10 साल बाद होने वाला होता या 5 साल बाद होने वाला जी, तो वहां पे गवाह की हत्या नहीं हो जाती। अच्छा, देखिए ये सब माफिया है सब, ये सब चीजों को समझते हैं सब कि कब एक्शन लेना है कब एक्शन नहीं लेना है जी। और अभी तो अपराध उसके 100 हम लोग रिकॉर्ड पे देख रहे हैं ना जी, ऐसे हजारों होंगे कि लोग डर के मारे थाने नहीं गए हैं। इन माफियाओं के खिलाफ ठीक है, हो गया, बहुत कम लोग होते हैं जो थाने भी जाते हैं। छोटे मोटे केस, जनरल केस, उगाही के केस, उसको धर पकड़ का केस हो गया, जाता ही नहीं है कोई। समय हो गया, ठीक है। आप सभी मेंबर्स कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो यह चर्चा थी अतीक अहमद पर सजा की, यह चर्चा थी एक नजीर की, यहाँ चर्चा थी एक संदेश की, और यहाँ चर्चा थी न्यायपालिका की जीत की। न्यायपालिका ने फिर स्पष्ट कर दिया कि अगर देर है, क्योंकि व्यवस्थाएं ऐसी हैं, अंधेर नहीं है, जनता के लिए भी यहाँ पर सोच है, जनता के लिए यहाँ न्याय भी है। भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और यहीं की यहाँ की न्यायपालिका वैसी ही धनी है और समय समय पर तमाम ऐसी संदेश और नजीर प्रस्तुत करती है जिसे स्पष्ट हो जाता है कि माफिया कितना भी बड़ा माफिया हो, पर यहाँ पर सजा सबके लिए मिलेगी और सबको मिलेगी। यहाँ सजा के माध्यम से जो नजीर और संदेश दिया गया है पीड़ितों के लिए महम है, तो यहाँ पर और लोगों के लिए एक संदेश है कि न्यायपालिका में सभी बराबर हैं और सबको यहाँ सजा मिलेगी अगर आप अपराध करेंगे। फिलहाल तमाम ऐसे मामले हैं, तमाम ऐसे माफिया है जिसकी एक लिस्ट बहुत बड़ी है। अब उन पर कार्रवाई कब होगी, कोर्ट उस पर सजा कब देगा, ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में निहित है। पर मेरा मानना यह है कि माफिया को माफिया बनाने वाली अगर जनता वोट देने के पहले सोचेगी, विचार करेगी, और हमारे राजनीतिक दल भी विचार करेंगे कि इन माफियाओं को राजनीति में बढ़ावा नहीं देना है, तो तभी अपराध मुक्त समाज का निर्माण हो सकता है। अगर सरपरस्ती देते रहेंगे, वोट देते रहेंगे, तो ऐसे अपराधी बड़े बड़े माफिया बनते आए हैं और बनते रहेंगे। अपराध मुक्त समाज चाहिए तो उसके लिए आगे बढ़िए, विचार करिए, तब वोट करिए और तभी टिकट दीजिए, अन्यथा भारतीय लोकतंत्र जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसकी गरिमा को ठेस पहुँचती रहेगी और ऐसे लोग विधायक और सांसद बनते रहेंगे। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।